हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, 11 सितंबर 2023 वार की यदि बात की जाए तो सोमवार आज मलेशिया पाम ऑयल का जो डाटा आना था, पाम ऑयल बोर्ड का डिमांड और सप्लाई का, वो आता हुआ नजर आया और उसके चलते केएलसी में 115 रिंगट के आसपास गिरावट देखने को मिली। केएलसी 3713-3715 रिंगट के आसपास बंद होता हुआ नजर आया। दूसरी ओर यदि उसके बात की जाए तो प्रोडक्शन 9% के आसपास बढ़ा है, एक्सपोर्ट 9-10% के आसपास गिरा है। ये तो चलो ठीक है, इसमें जो चिंता वाली बात है वो है एंड स्टॉक, और एंड स्टॉक में 22% की वृद्धि मलेशिया में होती हुई नजर आई है, यानी कि इन्वेंट्री बिल्डअप हुई है। एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन ये चलता रहता है, इन्वेंट्री बड़े पैमाने पर बिल्डअप हुई है और 22% के आसपास इन्वेंट्री बिल्डअप होती हुई नजर आई है। 23% आप मान के चलो, 22.53 ऐसा कुछ करके है नंबर, तो ऑलमोस्ट 23% आप मान लो राउंड फिगर में, जो बाजारों के लिए एक चिंता का विषय बनती हुई नजर आई। बाकी नंबर स्टेबल ही मान के चलो, सारे नंबर्स बाजार में फैक्टरिंग थे, पर जो ये एंड स्टॉक था ये बाजार कम एस्टिमेट करके चल रहा था, एंड स्टॉक में इतनी बड़ी वृद्धि नहीं मान रहा था। बाजार का अनुमान था कि 10% के आसपास वृद्धि होगी प्रोडक्शन में, उसके मुकाबले 9% की वृद्धि हुई। बाजार का अनुमान था कि जुलाई के मुकाबले अगस्त में एक्सपोर्ट में जो अभी 9-10% के आसपास कम आया है, ये थोड़ा और कम, मतलब और अधिक आएगा, ये भी बाजार की उम्मीद से काफी कम आया। पर जो एंड स्टॉक था बाजार, उसमें 17-18 के आसपास परसेंट की वृद्धि मान के चल रहा था, जो एंड स्टॉक में 22-23% की वृद्धि हुई, ये बाजारों के लिए एक चिंता का विषय बनता हुआ नजर आया। दूसरी ओर बात करें कल आने वाले डाटा की, तो कल यूएसडीए की रिपोर्ट आती हुई नजर आएगी बाजारों में, कल का दिन भी वॉलिटिलिटी भरा रहेगा। अब बात करते हैं भारतीय बाजारों की, तो भारतीय बाजारों में सुबह स्टेबिलिटी से पॉजिटिविटी के साथ खुले, प्लांटों ने कुछ भाव बढ़ाए, पर उन भाव बढ़ाने से होता क्या है, ओवरऑल बाजारों में स्टेबिलिटी रही सरसों के बाजारों में, या पैनिक रहा, डर रही, घबराहट रही पाम ऑयल के गिरने से, तेल में बिकवाल हावी रहे और हरियाणा 96 रुपए के आसपास, राजस्थान लाइन 96 रुपए के आसपास सौदे होते हुए नजर आए। अब उसकी पूरा यदि हम पूरा उसको एनालिसिस करें बाजारों को, तो आज भरतपुर 5452 के आसपास खुली, शायद 5400 में भी इस समय कामकाज हो रहा होगा। दादरी 5325-5300 की बाजार रही, 5350 से घटकर सुबह 5350 खुली। जयपुर 5750 की स्टेबल ही बाजार है। उसके अलावा बात करें टोंक की यदि बात की जाए तो 5500 रुपए की निवई भी 5500 रुपए के आसपास के बाजार है। मील डिलीवरी दोनों की, टोंक की 5700 रुपए, 5675-5700 रुपए के आसपास है। दूसरी ओर यदि निवई की बात की जाए तो 5700 रुपए की मील डिलीवरी के सौदे होते हुए नजर आए। सुमेरपुर और जोधपुर की बात की जाए तो सुमेरपुर और जोधपुर 5630 रुपए के बाजार रहे। दूसरी ओर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, अनूपगढ़ इन जिलों की बात की जाए तो लैब प्लस 1030 तक ही माल बिकता हुआ नजर आया, यानी कि वो ऊपर के राजस्थान में गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर कोटा यदि 12 की बात की जाए तो 5410-5420 के सौदे होते हुए नजर आए 42 कंडीशन के। प्लांटों में यदि अब मोटा मोटी में बात कर ली जाए तो प्लांटों में सलोनी प्लांट 6150 रुपए है कोटा और आगरा, और 6200 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए हैं इनके आगरा वाले प्लांट के, और 6150 रुपए अलवर और कोटा के बाजार रहे हैं। दूसरी ओर बात की जाए गोयल कोटा 5750 रुपए रहा। इनमें भी एक सिरदर्द वाली बात यह है कि जो प्लांट बाजार को लीड कर रहा था, इस तेजी को जिस प्लांट ने लीड किया था, लीड किसने किया था, अडानी प्लांट ने। अडानी प्लांट ने सभी के ऊपर जो डंडा रखा था पूरे बाजार के ऊपर कि भाई अडानी प्लांट बाइंग में है, और अडानी से कुछ और भी चीजें बाजार में जुड़ती हैं, नाम जुड़ता है तो अडानी का, तो वो चीज अडानी की कंटिन्यू नो बाइंग है पिछले काफी दिनों से। ये बाजार में एक अलग ही प्रकार का साइकोलॉजिकल प्रेशर, या आप कह सकते हो इम्पैक्ट बाजारों पर डालता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी कंज्यूमर सप्लाई चेन फॉर्च्यून, जो तेल है, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर की फेवरेट है, मिडिल क्लास की जो फेवरेट है, वो इस समय त्योहारी फेस्टिवल। अब हरियाणा के बाजारों की बात करें तो दादरी 5325, भिवानी 5470 रुपए, सिवानी 5300 रुपए के बाजार रहे, रेवाड़ी 5300 रुपए। यदि दूसरी ओर बात की जाए अपने आगरा की, तो
तो 5200 रुपए मथुरा के प्लांट रहे हैं, मथुरा मंडी रही है। दूसरी ओर यदि हम बात करें अपनी झांसी और उसकी अलीगढ़ की, तो 5000 रुपए तक ही बिकती हुई नजर आई है। यदि भिंड की बात करें तो भिंड 41 लाख 5200 रुपए, मुरैना की बात की जाए तो 5500 रुपए, 5400 रुपए के बाजार रहते हुए नजर आए, 5475 से 5541 लाख के मेन डिलीवरी के सौदे होते हुए नजर आए हैं। तो ये आज के दिन कमोबेश बाजार रहे हैं। बाजारों में गिरावट से नहीं कह सकते आप, अपर राजस्थान को छोड़ दे तो सभी जगह स्टेबिलिटी देखने को मिली, चाहे वो प्लांट हो, पर लगातार अडानी का नो बाइंग रखना, यदि कल भी अडानी भाव नहीं देता है, और इसके जो लास्ट भाव हाई इसका 6000 का है, लास्ट भाव इसने 5950 रुपए के बाजार दे रखे थे, और लगातार जब से नेफिड की बिकवाड़ी निकली है तब से बाजारों से नदारद है, तो ये एक बाजारों पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जरूर डालता हुआ नजर आ रहा है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।